इसके साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है। इसके साथ पार्टनरशिप की है तो वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ मानसी और ये वीडियो डेटामेटिका कंपनी के ऊपर होने वाला है। सो इसके पहले एक वीडियो बनाया था डेटामेटिका के ऊपर जो था हाउ आई गॉट प्लेस इन डेटामेटिका। उस वीडियो में मैंने प्लेसमेंट प्रोसेस एंड इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी थी। तो आज मैं आपको डेटामेटिका कंपनी के ऊपर और जानकारी दूंगी, तो बने रहिए इस वीडियो पे लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटामेटिका कंपनी पर जानकारी देने के लिए मेरे पास कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि टॉपिक की लिस्ट है, उन टॉपिक के हिसाब से मैं कंपनी के ऊपर जानकारी दूंगी। तो आप उस कंपनी को बाकी कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो टॉपिक्स देखते हैं क्या है। तो मेरे पास लिस्ट है डेटामेटिका वर्किंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, एनुअल पैकेज CTC, जॉब पोस्ट फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड, वर्किंग लोकेशंस ऑफ डेटामेटिका एंड वर्किंग लाइफ। सो डेटामेटिका कंपनी मेनली डेटा के ऊपर काम करती है। डेटा वेयर हाउसिंग एंड क्लाउड माइग्रेशन ये दो मेन टेक्नोलॉजीज है जिसके ऊपर डेटामेटिका काम करती है। और अभी इस वीक में डेटामेटिका ने पार्टनरशिप की है डेटाब्रिक्स कंपनी के साथ। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो या BE, BTech, BCA, BCS पास आउट फ्रेशर्स हो, तो डेटामेटिका कंपनी आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी में आपको चांस मिलेगा क्लाउड के ऊपर काम करने का, और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी क्लाउड के ऊपर ही मिलेगा। तो इसमें GCP दैट मीन्स गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट Azure, AWS, स्नोफ्लेक, इसके ऊपर आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो आपके करियर का ये बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और आपका करियर के स्टार्ट ही आपको क्लाउड के ऊपर काम करने को मिल जाएगा। डेटामेटिका के 3 प्रोडक्ट्स हैं, ईगल, रैवन, पेलिकन, जो गूगल क्लाउड मार्केट प्लेस पर अवेलेबल है, और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एजर मार्केट प्लेस पर इन डेटामेटिका के 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं। अगर आप फ्रेशर्स हो और डेटामेटिका में काम करने का मौका चाहते हो, तो आपके पास क्लाउड सर्टिफिकेशंस होना जरूरी है, अनिवार्य है। लाइक Azure क्लाउड या गूगल क्लाउड, इनके कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स होते हैं। वो सर्टिफिकेट आपके पास हो गए तो आपको डेटामेटिका में काम करने का चांस मिल सकता है। तो अब बात करते हैं एनुअल पैकेज और CTC की। तो जो फ्रेशर्स है, BE, BTech पास आउट्स है, उनके लिए एवरेज एनुअल पैकेज 3.8 LPA से लेकर 4.8 LPA तक है। और कुछ BCA, BCS के फ्रेशर्स है, उनके लिए भी 3.5 से लेकर 4.2 तक एनुअल पैकेज है। और IT कंपनीज में आप तो जानते हैं अप्राइजल भी होता है और इंक्रीमेंट भी होता है, तो आपको बस IT में इन होना है और क्लाउड के ऊपर काम करने का मौका पाना है, तो डेटामेटिका आपके लिए बहुत सही है। तो डेटामेटिका की मुझे और एक बात अच्छी लगी कि डेटामेटिका BE, BTech के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को हायर करती है और उनको पोजिशन या डेजिग्नेशन देती है एज अ इंटर्न। सो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर काम कर सकते हैं, और डेटामेटिका उनको क्लाउड के ऊपर ट्रेनिंग भी देती है और कुछ बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं जो काम करने में लगती है, जो डेटामेटिका में यूज़ होती है, जो कुछ टेक्नोलॉजीज, उसके ऊपर भी डेटामेटिका BE और BTech के बच्चों को, BE और BTech के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती है। डेटामेटिका इंटर्न्स के लिए 25K स्टाइपेंड देती है, और उसमें से टैक्स कटिंग या अदर चीज़ें भी इंक्लूडेड है। मैं भी एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, BE पास आउट ऑफ बैच 2022 कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और मैं भी अभी सितंबर 2021 में एज अ इंटर्न डेटामेटिका में प्लेस हो गई। तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है कि मुझे फाइनल ईयर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी पास 4-5 मंथ हो गए मुझे
डिटरमाइनिंग काम में काम करने में। इंटर्नशिप की बात करें तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जब तक उनका रिजल्ट नहीं मिलता फाइनल ईयर का, तब तक वो एज ए इंटर्न लेकर काम करते हैं। एक्सपीरियंस लोगों का हायरिंग की बात करें तो डेटामेटिका एक्सपीरियंस लोगों के ऊपर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है। डेटामेटिका एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी बहुत सारे हायरिंग कर रही है और अभी फ्यूचर में भी करेगी, तो आपको ये एक मौका मिलेगा। डेटामेटिका ने अभी पिछले वीक में डेटाब्रिक्स के साथ पार्टनरशिप की है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। तो एक्सपीरियंस लोगों के पैकेज के बारे में मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन 8 से 10 लाख का एनुअल पैकेज डेटामेटिका 3 से 4 इयर्स के एक्सपीरियंस लोगों को देती है। अभी बात करते हैं जॉब पोस्ट फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस। सो जो फ्रेशर्स है उनके लिए जॉब पोस्ट है एसोसिएट एनालिस्ट, इंटर्न एंड एसोसिएट इंजीनियर्स। एंड फॉर एक्सपीरियंस उनके लिए पोस्ट है ETL डेवलपर, कॉग्नोस डेवलपर या SQL डेवलपर, एंड बहुत कुछ और भी पोजीशंस है जिनके लिए डेटामेटिका हायरिंग कर रही है एक्सपीरियंस लोगों के लिए। डेटामेटिका अराउंड द ग्लोब 6 लोकेशंस के ऊपर काम करती है, जबकि इंडिया में पुणे और हैदराबाद इधर 2 लोकेशंस में डेटामेटिका के ऑफिस है। और बात करते हैं बाकी लोकेशंस जो कि इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में स्थापित है, वो है US, कनाडा, UK, सिंगापुर एट्सेट्रा। सो कुल मिला के 6 कंट्रीज में डेटामेटिका के ऑफिसेस है। तो अभी बात करते हैं लाइफ एट डेटामेटिका, वर्किंग लाइफ ऑफ डेटामेटिका। सो डेटामेटिका में काम करने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है, तो आपको तो पता ही है डेटामेटिका भी एक IT कंपनी है, तो आपको IT के लोगों की लाइफ तो पता ही होगी, तो कुछ अलग नहीं है। लेकिन बात करते हैं कुछ सेलिब्रेशंस की या कुछ अनोखे चीज़ों की। डेटामेटिका में काम करते हुए 5 महीने हो गए हैं, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगी तो दिवाली सेलिब्रेशन था डेटामेटिका में नवंबर में, और कुछ गेम्स सेलिब्रेट किए हमने, कुछ कॉम्पिटिशन्स थे जैसे कि रंगोली कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन या आपके कुछ टैलेंट शो होते हैं, और इसके अलावा फोटोग्राफी लाइक फोटो बूथ अवेलेबल किया था डेटामेटिका ने, तो उधर भी बहुत सारा फन किया हमने। और दिसंबर में क्रिसमस में हमें बहुत सारा मज़ा किया है, बहुत सारे गेम्स खेले हैं और प्राइजेस जीते हैं, और उसके बाद केक खाया, फूड स्टॉल था तो वो भी एंजॉय किया, और बहुत सारी चीज़ें थी। और इसके साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है। दूसरी एक बात मैं बता दूँ कि हमें प्रोजेक्ट असाइन हुआ तो या वी नो कि ITs में सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, लेकिन अभी जब प्रोजेक्ट की ड्यू लाइन हो तो आपको सैटरडे भी काम करना पड़ सकता है, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। और एक चीज़ मुझे बतानी है कि डेटामेटिका एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनके हार्डवर्क का तारीफ करने के लिए कुछ अवार्ड्स देती है, जैसे कि हल्क अवार्ड होता है, राइजिंग स्टार अवार्ड होता है, स्पॉट अवार्ड होता है, तो ये सारे अवार्ड्स भी एम्प्लॉयज़ को डेटामेटिका देती है, ताकि एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिल जाए और एम्प्लॉयज़ को भी और नए नए चीज़ें सीखने का मज़ा आ जाए। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए नए वीडियो लाती रहूँगी जो कि एजुकेशनल होंगे, करियर रिलेटेड होंगे और कुछ अनबॉक्सिंग, कुछ रिव्यू भी होंगे। तो बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।